ये सॉल्ट फेंक रहा है इसलिए ये जो है ना निकल रहा है एक तरह से। अपने घर में जो है मैंने सुबह में सॉल्ट फेंका था, अभी पक्का भर का अपना जो है साफ है। अच्छा, क्योंकि ये मेन रोड है ना, इस वजह से अंदर इसी वगैरह में तो इतनी हो रही है, इन लोगों जो है इनको लेने के ये निकलते बहुत है ये लोग है ना, इस वगैरह के घरों में बैठे रहे, मगर अभी सब निकलेंगे, इसको एंजॉय करने के लिए निकलते हैं। सफेदी ओढ़ी हुई ऐसे लगता है कि घरों में चारों तरफ ये बर्फबारी से हमारे घर की हालत हो गई है। देखे सारा बर्फ जो है, ये तो दानियाल ने हमारे बेटे ने ये नमक छिड़का था, तो इसलिए ये साफ नजर आ रहा है। यहाँ नमक छिड़कने की वजह से देखिए बर्फबारी हो रही है, देखिए कितनी जबरदस्त। ये हमारा प्लांट देखें, ये हमारे घर की पोजीशन हो गई है बर्फ से। अब तो मगर देखना कि ब्रेक लगनी चाहिए ना, वरना पीछे यहाँ से फौरन कोई गाड़ी वाला निकलता है ना तो स्लो स्लो के ब्रेक लग जाए। ये अपनी स्ट्रीट है ना, अपना घर भी बर्फ से ढका हुआ है। हाँ, अपने अपने बाहर खड़ी कर देना, इसपे कैसे निकाल, सामने देखो कैसा खाली है क्योंकि वो सॉल्ट डाला था। अच्छा, तुमने यहाँ सॉल्ट इसलिए डाली रहेगी तब तक जो है। हाँ, अच्छा किया तुमने सॉल्ट डाल दिया ना, सामने लेगी तो गाड़ी का खाली नंबर ही नजर आ रहा है। अपने ये दरख्त बड़े जबरदस्त लग रहे बर्फ में, अपनी जो है ना अंदर ही डाल देता अभी, जब इतना साफ नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि गाड़ी के ऊपर बर्फ आएगा, गाड़ी बाहर निकाल के साफ कर लेंगे। नहीं, मुझे यहाँ ही रखो ना, बाहर ना बाहर खड़ी कर दो, नहीं तो वो साफ करना पड़ेगा हमको ड्राइव पे। देख लो तुम्हारी गाड़ी अंदर खड़ी हो भी, बिल्कुल पिस लेनी ना, वो उसे टकरा ना जाए तो अपनी गाड़ी से। देखिए क्या जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। 5 बज रहे हैं तकरीबन, मगर चूंकि बर्फबारी हो रही है तो रोशनी नजर आती है। माशाल्लाह कितना अच्छा मौसम, जबरदस्त। हम घर में दाखिल हो गए,
8:30 बजे हैं रात के, अभी भी बर्फबारी हो रही है। ये हमारी गाड़ियों पे भी बर्फ आ गई है और टाउन की गाड़ियां जो है ना, रोड तो साफ कर रही है लेकिन ये टाउन की गाड़ियां, हमारा ये सहन का दर्द देखे उसमें बर्फ। लगा हुआ है ये गाड़ी हमारे टाउन की जो है, ये रोड से बर्फ उठा रही है। देखो साफ कर रही है, रोड से बर्फ साफ कर रही है। साढ़े आठ बज रहे हैं रात के, सैटरडे का दिन है। ये हमारे घर के बैकयार्ड को देखें, रात के 9:10 बाकी है और पूरा बैकयार्ड जो है ना बर्फ से लदा हुआ है। और ये हमारा टेबल तो ऐसे लग रहा है बर्फ से जैसे कि कोई केक रखा हुआ हो यहाँ पे। ये देखे मेरे पाँव भी अंदर धंस रहे यहाँ पे। ये देख हमारा बैकयार्ड, देखिए पूरा बैकयार्ड बर्फ ही बर्फ पूरी जगह, और ये रात भर बर्फ चलेगी। ये देखे मेरी मिसेज जो खिड़की से देख रही है इधर मुझे, ये हमारा बैकयार्ड है। ये मेरे मिसेज के वालिद साहब भी, मेरे फादर इन लॉ भी खिड़की से देख रहे हैं। 9:10 का मिसो, बारिश भी हल्की हल्की हो गई है। और ये देखें, और ये कुर्सियों पे बर्फ ऐसी लगी हुई है जैसे इस पे कोई गद्दा बिछाया हो। और ये हमारा टेबल, अभी नजर नहीं आ रहा वरना मैं अपना नाम लिख रहा हूँ शब्बीर। वेरी गुड, पूरा पूरा जमा हुआ है, व्हाइट कलर का। खा के भी थोड़ा देखते हैं, बिल्कुल मीठा मीठा। पूरा हमारा बैकयार्ड देखिए, और ये झूला भी देख लें। बारिश हो गई है शुरू, नौ में 5 मिनट बाकी रह गए। दानियल जो है ना, ये थोड़ा रास्ता बना रहा है आने जाने का। रात के 9 बज रहे इस वक्त, नेबर हमारा पूरा नेबर है, रात के 9:05 कम है। देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। हमारा बेटा मोहम्मद दानियाल जो है वो अपनी गाड़ी को साफ कर रहा है, बर्फ निकाल रहा है, और यहाँ भी रास्ता इसने बना लिया है। घर के बाहर देखिए ये दरक बड़ा खूबसूरत है, और यहाँ अमेरिका में बड़ा कॉस्टली भी है, बड़े खूबसूरत इसमें जो लगते हैं इसके जो भी इसमें जो फ्लावर वगैरह, या इसके पत्ते जो हैं बड़े जबरदस्त होते हैं, कलरफुल। ये हमारा नेबर है।
चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। गाड़ी से बर्फ निकाल रहे हैं हमारे बेटा मोहम्मद दानियाल, और एक गाड़ी इधर भी है जो इन्होंने रखी हुई है, तो पूरी ढकी हुई होगी। और अंदर वाली गाड़ी तो देखो दानियाल बिल्कुल ही बर्फ पे वो दबी हुई है ना। अच्छा हाँ, ये हमारा नेबरहुड है, पड़ोसी है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है, गाड़ी चलाना जो है ना बड़ा मुश्किल है बड़ी। अभी चूंकि सफाई की है यहाँ के टाउन के म्यूनिसिपैलिटी वाले जो यहाँ पे, उन्होंने अभी ट्रक आए थे, सफाई करते हैं और नमक वगैरह रोड पे ये फेंकते हैं ताकि जल्दी जल्दी पिघल जाए बर्फ, क्योंकि कल संडे तक है ये। हमारा लेबर भी वो साफ कर रहा है अपना। ये दरख्त बड़े बेहतरीन होते हैं, खास खास मिलते हैं, बहुत कॉस्टली भी होते हैं ये, और ये दोनों इसके, और ये थोड़े कर्व में होते हैं, इसकी जलीदारी इसी कर्व में होती है। देखिए जैसे यहाँ पे बराबर में हमारे लेबर ले भी है, तो इसके पत्ते बड़े जबरदस्त होते हैं।